पहली बात तो धन्यवाद बोलना चाहूंगी आपको कि आप आए। और अगर आप बप्पा की बात करें तो बप्पा जो उनको विघ्नहर्ता बोलते हैं, तो कहीं भी हम कुछ भी नया काम शुरू करते हैं तो गणपति जी से ही किया जाता है, तो इसीलिए हमारे नए घर में हमने गणपति जी को रखा है। बट हाँ, मैंने क्योंकि मैं बहुत इको फ्रेंडली चीजें यूज करना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने इको फ्रेंडली गणपति रखे हैं। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि हम 1.5 दिन या 3 दिन या 10 दिन पूजा करते हैं, फिर उसके बाद जब विसर्जन कर देते हैं, और बहुत बार ये देखा जाता है कि वो वापस आते हैं गणपति जी के कुछ कुछ पार्ट, और हम उसी पे ही स्टेप इन करते हैं लोग। और फिर मतलब मुझे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता। एक तो हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ऐसी चीज, मतलब जो भगवान है हमारे उनकी। दूसरी बात, हम एनवायरनमेंट को भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि सी में जो केमिकल्स जाते हैं, जो उसमें बहुत सारे जो क्रिएचर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है, वो बाद में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ह्यूमन बीइंग को। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो इको फ्रेंडली हो। तो मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन मिला, चॉकलेट गणपति जी। अब ये चॉकलेट गणपति जी हैं, इन्हें हमने 1.5 दिन के लिए रखे हैं अपने घर पे, और कल इनका विसर्जन हम करेंगे दूध में, और फिर ये दूध में मिक्स हो जाएंगे, तो उसको हम प्रसाद की तरह लेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी भगवान होते हैं वो एनर्जीज हैं, तो वो एनर्जीज शुड गो इन अवर बॉडी, सो दैट हमें भी हमारी बुद्धि, और वैसे भी जो गणपति जी हैं वो बुद्धि के कारक होते हैं, तो